आज राष्ट्रीय युवा शक्ति द्वारा नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन शहीद स्थल से लेकर परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक तक चलाया गया। राष्ट्रीय युवा शक्ति दल ने झारखंड राज्य को नशा मुक्ति करने की मांग रखी। साथ ही यह भी आग्रह किया कि आज की युवा पीढ़ी जो कि नशीले पदार्थों की चपेट में आ रहे हैं, उन्हें मध्य नजर रखते हुए प्रदेश को एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि हर पीढ़ी के लोग प्रदेश में स्वस्थ रहे। केंद्रीय अध्यक्ष ने यह भी सूचना दी है कि राज्य में शराब, गुटखा, सिगरेट के साथ साथ अन्य जहरीले पदार्थ भी शामिल किए गए हैं, जिनकी वजह से स्कूल कॉलेज में जाने वाले युवा पीढ़ी नशे में धुत होकर अपना जीवन नष्ट करने के पीछे भाग रहे हैं। राष्ट्रीय युवा शक्ति मोर्चा ने जनता के लिए सरकार से यह भी आग्रह किया है और कहा है कि उनकी मांग जायज है। साथ ही एक कठोर कानून बनाने पर युवा पीढ़ी के साथ ही अन्य लोगों के स्वास्थ्य होने को राहत मिल सकती है। मुखर संवाद के लिए आशुतोष रंजन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से रांची के शहीद स्थल से लेकर परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक तक हम लोग विरोध मार्च निकाले हैं और परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर हम लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग एकदम जायज मांग है। आज रांची के प्रत्येक कॉलेज में चले जाइए, प्रत्येक स्कूल में चले जाइए, रांची का किसी गली मोहल्ला में चले जाइए, हर जगह नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। आज से कुछ वर्ष पिछले चले जाइएगा, कहीं भी रांची में नशा नहीं था। अगर शराब को छोड़ दें, हड़िया को छोड़ दें तो कोई नशा नहीं था, लेकिन आज जो सूखा नशा डेंड्राइट, कोरेस, चरस, अफीन, गांजा जिस तरह रांची के प्रत्येक गली मोहल्ला में बिक रहा है, हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, भारत युवाओं का देश कहा जाता है, देश का 67% युवा है, आने वाले समय में हमारा देश से युवा समाप्त होगी, हमारी छात्राएं समाप्त होगी। आज लड़कियों लोग भी काफी तेजी से नशा कर रही है। आज राष्ट्रीय युवा शक्ति यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है और सरकार से मांग करती है कि जिस तरह बिहार सरकार ने शराब को रोकने के लिए कानून बनाया, जो लोग पकड़ाते हैं उसको सजा होता है, उसी तरह झारखंड में भी कानून बने। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।